प्लान टिकट में आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए सीख चुके हैं, ठीक है। आज हम सिखाने वाले हैं ट्रिक, चाहे 2x2 ऑर्डर हो या 3x3 ऑर्डर हो, हम लोग एडजॉइंट को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं विद इन 10 सेकेंड। लेकिन कंडीशन ये है कि आप इस प्रोसेस को NCERT दैट मीन्स CBSE आपको अलाउ नहीं करता है, आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हो या आपको क्विक बनाना है तो आप रफ में वैल्यू निकाल करके पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम 2x2 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट चाहिए, जैसे अगर ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपके पास मैट्रिक्स है 2-6, 5, 8, ओके। अगर हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये दोनों आपस में इंटरचेंज होगा, ये 8 और ये 2 बन जाएगा, बाकी ये जो एलिमेंट है इस साइड वाला में क्या होगा, सिर्फ इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो +6, ये -5, ये आ गया एडजॉइंट हमारा, ठीक है। फिर देखिए, अगर कोई दिया हुआ है, मान लीजिए बी एक मैट्रिक्स है, हमारे पास है 9-9, 8-7, 2, ये दिया गया है। अब हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये दोनों क्या होगा, आपस में इंटरचेंज होगा, 2-9 होगा, ठीक है। फिर ये दोनों जो है अपने प्लेस पर ही रहेगा, सिर्फ इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -8 और ये बन जाएगा 7, क्लियर है, सो सिंपल, ठीक है। फिर देखिए, अगर हमारे पास ए दिया हुआ है, ये हमारे पास ABCD, अगर हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो क्या होगा, ये आप खुद से बनाइए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, ये मैट्रिक्स मान लीजिए 1-1, 2-1-2, 2-2-1, बोलेगा हम लोगों को इसका एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1-2-1 रो वाइज लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1-2-1 रो वाइज लिखा हुआ है तो हम लोग इसको कॉलम वाइज लिख लेंगे 1-2-1, फिर 2-1-2 रो वाइज लिखा हुआ है तो कॉलम वाइज लिख लेंगे 2-1-2, फिर रो वाइज लिखा हुआ है तो कॉलम वाइज लिख लेंगे 2-2-1, ठीक है। फिर क्या करना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1-2-2 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 1-2-2 यहाँ लिख देना हम लोग को 1-2-2, ठीक है। फिर देखिए 2-1-2, 2-1-2 यहाँ लिख दिए, फिर फर्स्ट वाला जो कॉलम है दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड रो, यहाँ लिख दिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, फिर हम लोगों को फर्स्ट कॉलम को लिखना है, क्या हो जाएगा 1-2-1-1-2, फिर सेकेंड कॉलम को लिखना है, क्या हो जाएगा 2-1-2-2-1, ठीक है। अब इसके सामने गायब कर देना, डेट मीन्स ये एलिमेंट गायब, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, क्या करना है, दिस इन 1-2 डेट मीन्स -3, ये हो जाएगा -3, ठीक है। फिर देखिए, फिर 2-2 डेट मीन्स 0, फिर यहाँ से हो जाएगा 4-1, 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-2, 2, 1-2, -1, फिर 2-2, 0, फिर यहाँ से हो जाएगा 4-2, 2, फिर 4-2, 2, ओके, फिर 1-4, -3, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, सो सिंपल। अब देखिए फिर क्या किए, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, ये दिया हुआ है 1-2-3, 2-1-2, 4-2-1, ऐसा दिया गया है। अब हम लोगों को चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी, तो क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बनाते हैं, अगर ये फर्स्ट रो लिखा हुआ है तो 1-1-4 फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2-2-2, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 3-2-1। अब फर्स्ट रो जो यहाँ पर जो आया, इसके फर्स्ट रो को हम यहाँ लिख लिए 1-2-3, फिर सेकेंड रो को भी लिख लिए 1-2-2, फिर फर्स्ट कॉलम लिख लिए 1-1-4-1-1, फिर सेकेंड कॉलम भी लिख लिए 2-2-2-2-2, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों गैप, अब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्या करेंगे, पहले दिस मल्टीप्लाई होगा तो -2, फिर -of -4 तो +4, तो -2 +4 क्या बन जाएगा 2, फिर 8 +1 9,
फिर माइनस टू माइनस एट माइनस टेन, फिर यहाँ से आएंगे माइनस सिक्स प्लस टू प्लस फोर, ठीक है सॉरी माइनस फोर माइनस सिक्स प्लस टू, फिर हो जाएगा माइनस वन माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन, फिर ये हो गया एट प्लस टू टेन, फिर यहाँ से फोर माइनस सिक्स माइनस टू, फिर हो जाएगा थ्री माइनस टू वन, फिर टू माइनस टू ज़ीरो। ओके फिर देखते हैं, एक आपके पास है सी, ये दिया गया है वन माइनस टू वन, टू माइनस टू वन, वन वन माइनस वन, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसका हम लोगों को चाहिए एडजॉइंट ऑफ सी, ये आप लोगों को खुद से बनाना है, ठीक है। बन जाए जल्दी से तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। मिलते हैं फिर कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।